जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये चीज क्लियर होती जाएगी कि कौन से आत्माएं मृत्यु के बाद जानवर रूप लेती हैं, कौन सी किस जानवर का रूप लेती हैं और क्यों लेती हैं, और जो नहीं लेती हैं वो क्यों नहीं लेती हैं। पिछली कड़ी में मैंने रूपांतरण के स्थान का जिक्र किया था, वो स्थान जहां पर मानव आत्माएं पशुओं से जो प्रेम करती हैं उनका रूप लेकर उस रूप को महसूस कर कर देखती हैं। अब इस रूपांतरण के स्थान को ही आगे बढ़ाते हुए, ये जो रूपांतरण का स्थान है, बेशक इसका प्रयोग अवकाश के समय में किया जाता हो, लेकिन इसका मकसद सिर्फ आत्मा को आनंद प्रदान करना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये स्थान ऐसा स्थान है जहां मानव आत्माएं उन जीव आत्माओं के प्रति एक खास तरह की, जिसे कहते हैं छठी इंद्री का ज्ञान, इस तरीके का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। ये मानव आत्मा को एक मानसिक स्टेबिलिटी, उसके मन को तैयार करता है, वो जो कार्य करेगी अब आगे भविष्य में, उसका जानवरों के प्रति या पेड़ पौधों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, ऐसी चीजों के प्रति जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका लगाव है, उस लगाव को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में कुछ खास कार्य वो कर सके, इसके लिए उस मानव आत्मा को मानसिक संबल, उसके मन को तैयार किया जाता है, उसे एक अंतर्ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार का कार्य इस रूपांतरण के स्थान पर होता है। अब ऐसा क्या है इन रूपांतरण के स्थान में जो उन्हें मानसिक संबल प्रदान करेगा, जो उन्हें अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा? यहां पर एक इन्हीं जीवों से रिलेटेड विशेष प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कि आप किसी जीव को प्रेम करते हैं तो आपके मन में उसके लिए एक विशेष तरह का करुणा भाव होना चाहिए कि ये एक बेजुबान जीव है, ये मुझसे निम्नतर है तो मेरे को इसकी देखभाल करनी है, इस तरह का एक करुणा वाला भाव, इस तरह की ऊर्जा उस रूपांतरण के स्थान में होगी। इस रूपांतरण के स्थान पर इसी प्रकार की अलग अलग प्योर ऊर्जा होती है, और मानव आत्मा ये प्रैक्टिस करती है कि किस प्रकार से वो उस ऊर्जा को एक स्पंज की तरह ऑब्जर्व करे। जितना ज्यादा वो उस ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, उतना ज्यादा वो उस ऊर्जा के लिए एक तरह से स्पंज बन जाती है। और ये जो ऊर्जा है, ये भविष्य में जब वो धरती पर जन्म लेंगी मानव आत्माएं, तो उन्हें एक उपचारक का रूप देगी। उपचारक इनसे, इन जीवों से या पेड़ पौधों से, जिसकी भी ऊर्जा को वो अवशोषित कर रहे हैं, उनके प्रति एक उपचारक का भाव उनके मन में होगा, उनके प्रति कुछ बेहतर करने का भाव, उपचारक वाला भाव, इस तरह के भाव के साथ वो क्रिएटिविटी उन मानव आत्माओं के अंदर पैदा होगी। जैसे ये करुणा की ऊर्जा है, ये एक ऐसे महसूस होगी जैसे तरल ऊर्जा है, जैसे तरल एक कुंड है, एक जैसे पानी का एक छोटा सा टब होता है, इस तरह से वो करुणा की ऊर्जा का एक तरल रूप है जिसमें वो आत्मा, मानव आत्मा तैर रही है। ये जो एक्सपीरियंस है, ये भावना का रूप ले लेता है जब वो धरती पर आता है, तो ये एक्सपीरियंस उन जीवों के प्रति भाव का रूप धारण कर लेती है, और ये भाव बहुत ज्यादा जीवंत होता है। और ये जो स्थान है, ये मानव की जो आत्मिक स्तर है उसे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार है। अब जैसे कि हमारा ये सवाल था कि क्या मनुष्य आत्माएं जानवर बनती हैं, या जानवर आत्माएं मनुष्य बनती हैं, या कौन सी आत्माएं हैं जो जानवर बनती हैं और कौन सी हैं जो नहीं बनती हैं। अब इस चीज को हम दो अलग अलग तरीकों से समझेंगे। पहले तो हमने ये चीज समझी कि जानवर और मनुष्य की मानसिक संरचना में, उनकी भावनाओं में, उनके ऊर्जा के कणों में, उनकी मात्रा में, हर चीज में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये इतना बड़ा फर्क है कि अगर कोई जानवर नेक्स्ट बर्थ में, हम सोचे मनुष्य बन जाएगा, तो वो फिर इस प्लेनेट पर नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा और तरह की है। जिस तरह की उसकी ऊर्जा है उसी तरह का भौतिक शरीर उसे चाहिए। अगर उसका भौतिक शरीर परिवर्तित हो रहा है, मान लीजिए एक बिल्ली है, बिल्ली अगर नेक्स्ट बर्थ में इंसान बनेगी, यानी उसकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है, उसकी जो पूर्व जन्म की भावनाएं हैं बिल्कुल अलग है, उसकी जो मानसिक संरचना पूर्व जन्म में रही बिल्कुल अलग है, उसकी ऊर्जा के कारण, उनकी मात्रा, उनकी संरचना, सब कुछ अलग है। उसका किस तरीके से एक मानव के भौतिक शरीर में रूपांतरण हो सकता है, ये कैसे संभव है? अब एक बिल्ली है,
उसके लिए चूहे को मारना अपराध नहीं है, वो उसकी भूख मिटाने का साधन है। वो उसकी चेतना का स्तर भी इतना ऊंचा नहीं है कि वो ये समझ सके कि चूहा एक जीव है, मुझे उसको दर्द नहीं देना। नहीं, उसकी चेतना का स्तर इतना नहीं है। उसने अगर अपने जीवन में 100 चूहे मारे हैं तो ये किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एक बिल्ली है, उसकी ऊर्जा, उसकी सोच, उसकी मानसिक संरचना बिल्कुल अलग है। अब वही बिल्ली अगर मनुष्य का रूप धारण करती है तो मनुष्य रूप में 100 चूहों को आप बिना किसी रीजन के, वो एक जंगल में है, आपको तंग नहीं कर रहे हैं, आप उसे मार रहे हैं, तो ये अपराध हो जाता है, एक एक आध्यात्मिक अपराध है। ये था ऊर्जा के कणों में फर्क की वजह से आत्माओं का रूपांतरण इस प्रकार से नहीं हो सकता। अब जब नहीं हो सकता क्योंकि ऊर्जा के कणों में बहुत डिफरेंस है, तो अब कोई मनुष्य यदि जानवर बन रहा है या कोई जानवर यदि मनुष्य बन रहा है तो वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? यहां पर तीन कैटेगरियां हैं। पहली तो वो जो मनुष्य है और मनुष्य ही बनेंगे, जिसकी मैच्योरिटी है क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट मनुष्यों के साथ है, जैसे भी हैं वो मनुष्यों के साथ कर्म संबंध है, वो मनुष्य ही बनेंगे। एक दूसरी कैटेगरी आती है जो स्वयं डिसाइड कर रही है अपने कर्मों के आधार पर कि मैं जीव का रूप लूंगी। जैसे कि आप जीवात्मा जगत के बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक स्थान पर एक बात कही जाती है कि गायें और बैल जैसे जीव अपनी मर्जी से अपने कर्मों को चुकतू करने के लिए इस रूप को धारण करते हैं। यानी एक दूसरी कैटेगरी आ गई, वो कैटेगरी जो अपनी मर्जी से जीव रूप धारण कर रही है, जानवर रूप धारण कर रही है। अब एक तीसरी कैटेगरी आती है, वो कौन सी कैटेगरी है? अब यहां पर चीज को समझिएगा, जैसे कि कोई मनुष्य अपराध करता है, एक मनुष्य ने यदि 2 लोगों की हत्या कर दी है तो सरकार ने उसे फांसी की सजा सुना दी। एक दूसरा मनुष्य है, उसने 200 लोगों की हत्या कर दी है, सरकार के पास उसे भी फांसी की सजा सुनाने से बड़ा कोई उसका सरकार के पास हल नहीं है। उनके लिए 2 जिसने कत्ल किए वो भी फांसी की सजा चढ़ेगा, 200 जिसने कत्ल किए वो भी वही सजा पाएगा, वो भी फांसी चढ़ेगा। लेकिन जो कुदरत का हिसाब है, जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुकी हूं कि प्रकृति इस हद तक एक्यूरेट है कि जैसे आप और हम हमारी समझ से परे है, वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट है, उसका कण कण एक्यूरेट है, तो वहां ये सजा ऐसे नहीं चलेगी। वहां पर 2 का कत्ल करना और 200 का कत्ल करना इक्वल नहीं है, वहां इसका हिसाब सही तरीके से होगा। अब आती है तीसरी कैटेगरी उन मनुष्यों की जो जानवर रूप लेंगे, लेकिन यहां पे 2 कत्ल और 200 कत्ल के बीच का फर्क है, उस हिसाब से जानवर रूप लेंगे और उन्हें इस तरह के मनुष्यों को जानवर रूप देने के लिए पूरी तरह से उनकी ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया जाएगा, पूरी तरह से, पूरी तरह से। ये ऐसे है जैसे रिसाइकलिंग हो जाती है ना, आपके पास एक बाल्टी है, एक प्लास्टिक की बाल्टी है, एक प्लास्टिक का टब है, आप जब उसको कबाड़ी को देते हो वो रिसाइकल होता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? फिर वो एक छोटी सी बोतल या एक छोटा सा मग बन के रह जाता है। इस चीज को मैं डिटेल में अगली वीडियो में क्लियर करूंगी कि अब ये फर्क क्या है, कौन सी आत्माएं जानवर रूप धारण कर रही है, किस तरह से कर रही हैं, ये ऊर्जा का, क्योंकि फिर जब अगर किसी को जानवर रूप देना है, मनुष्य को अगर जानवर रूप देना है, तो उसके ऊर्जा के कणों में परिवर्तन करना होगा, वो उसी चेतना उसी ऊर्जा के साथ जानवर रूप में नहीं जा सकता। इस चीज को मैं डिटेल में अगली वीडियो में क्लियर करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये चीज क्लियर होती जाएगी कि कौन से आत्माएं मृत्यु के बाद जानवर रूप लेती हैं, कौन सी किस जानवर का रूप लेती है और
क्यों लेती हैं और जो नहीं लेती हैं वो क्यों नहीं लेती हैं। पिछली कड़ी में मैंने रूपांतरण के स्थान का जिक्र किया था, वो स्थान जहां पर मानव आत्मा